good morning children welcome back to the social session children uh, in the previous classes children under the disaster management i introduced to you another important natural disaster that is a drought so drought is a condition where there is a scarcity of rainfall children and how the drought takes place is depending upon the average rainfall taken of that area so if the average rainfall of that area is uh, let us imagine uh, some 100 centimeters something which is a uh, मोर दैन मोर दैन ट्वेंटी सेंटीमीटर्स दैन द एवरेज रेनफॉल देन इट इज़ कॉल्ड एज अ एक्सेस रेनफॉल एवरेज रेनफॉल से अगर 20 परसेंट ज़्यादा है तो उसको एक्सेस रेनफॉल बोलते हैं और एवरेज रेनफॉल से ओके नाइन्टीन परसेंट बेटर और नाइनटीन परसेंटेज माइनस रहे तो भी इट इज़ कॉल्ड एज ए नॉर्मल रेनफॉल ओके हंड्रेड सेंटीमीटर्स उधर रहना चाहे होना चाहिए मगर इस बार नाइन्टी सेंटीमीटर्स हुआ देन इट इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल रेनफॉल अदरवाइज वन टेन सेंटीमीटर्स रेनफॉल हुआ दैट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ नॉर्मल रेनफॉल अगर बीस परसेंट से कम हो गई हंड्रेड सेंटीमीटर्स है मगर अभी द एवरेज रेनफॉल इज़ हंड्रेड सेंटीमीटर्स मगर ये साल जो है इट इज़ सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर्स रेनफॉल हुआ देन इट इज़ कॉल्ड एज ए डिफिशियंट रेनफॉल माइनस ट्वेंटी टू माइनस फिफ्टी नाइन इज़ कॉल्ड एज अ डिफिशियंट रेनफॉल And if it is minus 60, then it is called as a scanty rainfall. Okay. If the 100 centimeters normal rainfall hai to average rainfall hai to say 60 percent come rainfall huato, then it is called as a scanty rainfall. This is what we have seen yesterday: excess, normal, deficient, and scanty. And uh, today वी शेल लर्न अबाउट देर आर सर्टन रीजन्स ड्यू टू देयर जियोग्राफिकल रीजन जियोग्राफिकल लोकेशंस दे आर मोर लाइकली टू रिसीव लेस रेनफॉल दैट मीन्स दे आर कॉल्ड एज अ ड्रॉट प्रोन एरिया जो जगह पर कंटिन्यूसली ड्रॉट आती है उसको ड्रॉट प्रोन एरिया बोलते सर उधर क्यों आती है सर रेगुलरली बोले तो उसका जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से उधर बारिश कम होती है इसीलिए इट इज़ कॉल्ड एज द ड्रॉट प्रोन एरिया For example, the Ryalisima region of Andhra Pradesh is considered, and some areas in Telangana state. Uh, the probability of drought occurrence is uh, twice in every five years. Pan Salma drought Then what is the impact of the drought? What we are going to see today is the impact of the drought. So there is a scarcity of drinking water as well as a fall in the water table. Underground water table may be boar to pani nayati. may be pani There is a fall in the water table. द सेकेंड वन इज़ दी क्रॉप एकरेज पानी जब रहती है ज़्यादा एकड़ों में खेती बाड़ी होती जब कम होती है दे विल डिक्रीज द क्रॉप एरिया सो देट इज़ अ डिक्लाइन इन क्रॉप एकरेज एंड फॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यू टू स्लोइंग डाउन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर ज़्यादा एकर्स में खेती बाड़ी नहीं हो रहा तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा लोग काम करने के लिए भी आ, नहीं चाहिए देन ऑटोमेटिकली देट विल लीड्स टू द फॉल इन द एम्प्लॉयमेंट फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ दोज इंगेज इन एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर पर जो डिपेंडेंट है उन लोगों का परचेजिंग पावर भी गिर जाती उन लोगों को पैसे नहीं मिलती उगाना ही नहीं है पानी नहीं है और उगाना नहीं है एंड बिकॉज ऑफ द ईल्ड दे आल्सो परचेज वेरी लेस देर इज़ ए स्कैर सिटी ऑफ फूड ग्रीनस इन द मार्केट एंड स्कैर सिटी ऑफ फाडर गाय को खिलाने के लिए और बकरे को खिलाने के लिए फॉर्डर चाहिए नहीं सो दैट फॉर्डर इज एनिमल फूड इज़ कॉल्ड एज अ फॉर्डर

विल ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है दैट विल लीड टू द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस लाइक डायरिया, डिसेंट्री कलरा एंड अपथॉलमिया काजड बाय द स्टार्वेशन बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूस स्टार्वेशन कम कार्य से क्या होती दिस ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स अराइज एंड देयर विल बी आल्सो डिस्ट्रेस ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी एंड मार्टिगेश्ड ज्वेलरी सो दैट दे कैन मेक सम मनी एंड माइग्रेशन ऑफ पीपल ऑल्सो इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट वो छोड़ दे के खेती बाड़ी छोड़ दे के इधर भी हुआ था ना इधर का खेती बाड़ी छोड़ दे के गल्फ को गए थे लोग सूरत को गए थे बम्बई को बॉम्बे को गए थे सो बिकॉज ऑफ़ द डिस्ट्रेस ये खेती बाड़ी का करे तो कुछ भी नहीं मिल रहा खाने के लिए बोल के दे हैव लेफ्ट दिस प्लेस एंड दे हैव गॉन फॉर अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज माइग्रेशन दिस ऑल आर द इम्पैक्ट्स काजड ड्यू टू द ड्रॉट and mostly people from the drought region they migrated to other places tomorrow we shall learn about how to cope up with the drought a drought to cope up ka kaise kar sakte. thank you chalo